हेलो गाइस, वेलकम टू राजेंद्र एडिट्स। तो आज का फोटो एडिटिंग कुछ कमाल का होने वाला है। आप कुछ इस टाइप के फोटो को ऐसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का फोटो एडिटिंग सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। फोटो लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद लाइट में क्लिक करेंगे और उसका एक्सपोजर को इंक्रीज़ करेंगे करीब इतना। उसके बाद इसका कंट्रास्ट को हल्का सा माइनस करेंगे इतना सा, और हाईलाइट का भी हल्का सा माइनस कर देंगे, और शेडो को फुल कर देंगे, और वाइट को करीब इतना रखेंगे और ब्लैक को माइनस कर देंगे। उसके बाद कलर में क्लिक करेंगे, इसका टेम्परेचर को 4 में रखेंगे और इसका टिंट को माइनस कर देंगे और इसका वाइब्रेंस को भी इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे और रेड में आ जाएंगे और इसका सेचुरेशन को माइनस करेंगे करीब इतना, और ल्यूमिनस को इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद ऑरेंज में जाके इसका सेचुरेशन को हल्का माइनस करेंगे और इसका ल्यूमिनस को इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद येलो में जाएंगे, येलो में जाके इसका ह्यू को हम लोग चेंज करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे करीब इतना। उसके बाद सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देंगे। उसके बाद इसका ल्यूमिनस को भी इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद ग्रीन में जाके इसका ह्यू को भी इंक्रीज़ करेंगे और सेचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे और इफ़ेक्ट में आ जाएंगे, और इसका तीनों को 4:4 में रख देना है। उसके बाद इसका विगनेट को भी माइनस कर देंगे। उसके बाद डिटेल में क्लिक करके शार्पनेस को इंक्रीज़ करेंगे और इसको इस सब को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे और स्मूथ को फुल कर देंगे। उसके बाद फोटो को शेयर करेंगे स्नैपशीट एप्लीकेशन में। फोटो स्नैपशीट एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद टूल में क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्टिव में जाएंगे और जहां पर ब्लैक पार्ट है उसको यहां पर रख के इसका ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद राइट में क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से टूल में जाके डबल एक्सपोजर में जाएंगे, उसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे और एक PNG को ऐड करेंगे, और इसका हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग ऐड पर रखेंगे और इसका अपेसिटी को कम कर देंगे और राइट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्यू एडिट में जाके डबल एक्सपोजर में क्लिक करके इसको इन्वर्ट करेंगे और इसको कुछ ऊपर से इरेज कर देंगे। उसके बाद राइट में क्लिक कर देंगे और बैक हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद दोबारा टूल में जाएंगे, उसके बाद ट्यून इमेज में जाएंगे और इसका ब्राइटनेस को कम करेंगे, कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे और सेचुरेशन को माइनस कर देंगे। उसके बाद राइट में क्लिक कर देंगे और व्यू एडिट में जाके टीन इमेज में क्लिक करके ब्रश में जाके कैप के कलर को कुछ इस प्रकार से चेंज कर देंगे, कैप को इस प्रकार से कलर कर देंगे। उसके बाद राइट में क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाएंगे और फोटो को सेव कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।